कैसे हैं आप सब? ठीक हैं? उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आप सब ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। जैसा कि आप सबको पता है दोस्तों कि कल हमारा बहुत बड़ा नुकसान हो गया। मेरी गोल्डन मुर्गियाँ और हम सब की फेवरेट मुर्गी गंजी मुर्गी हमें छोड़ के चली गई दोस्तों। बहुत प्यारी थी दोस्तों वो, मुझे बहुत दिल से लाया था मैं उसे अपने सेटअप पर। और गोल्डन मुर्गियाँ दोस्तों छोटे से चूजे थे दोस्तों, तकरीबन आधा आधा पाव के थे। मैं उनको सेटअप पर लाया था तकरीबन दोस्तों पिछले साल अगस्त में मैं उनको लाया था, और अपने इस चैनल की शुरुआत उन्हीं गोल्डन चूज़ों से मैंने की थी। तो सोचे दोस्तों आज मैं अपनी गंजी मुर्गी और गोल्डन मुर्गियों की यादें आप तक पहुंचाऊं, आप तक शेयर करूं। बहुत प्यार से दोस्तों मैंने उनको रखा हुआ था, लेकिन बस एक पेपर की वजह से दोस्तों ये सारी गड़बड़ हो गई और गोल्डन मुर्गियाँ मेरी मुझे छोड़कर चली गई और गंजी मुर्गी दोस्तों मुझे छोड़कर चली गई, हम सबको छोड़ के चली गई। दोस्तों जब मेरी गोल्डन मुर्गी ने पहला अंडा दिया था, जब मेरे चूजे बड़े हो गए थे और मेरी मुर्गी ने पहला अंडा दिया था, तो उस दिन दोस्तों मैं बहुत ज़्यादा खुश हुआ था। मेरी खुशी की इंतहा दोस्तों इतना थी कि मैंने घर में सबको ट्रीट दी थी कि मेरी मुर्गी ने अंडा दे दिया है। तो वो क्लिप मैं आप दोस्तों को शेयर करता हूँ जब मेरी मुर्गी ने, गोल्डन मुर्गी ने अंडा दिया था दोस्तों। वो कौन सी मुर्गी थी दोस्तों जिसने पहला अंडा दिया था? वही गोल्डन मुर्गी थी दोस्तों जो कुड़क हुई थी, वो मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखें जरा। तो इस दिन दोस्तों मैं बहुत ज़्यादा खुश हुआ था कि मेरी मुर्गी ने पहला अंडा दे दिया। तो फिर ऐसा ऐसा करके दोस्तों दूसरी मुर्गी ने अंडा दिया, फिर तीसरी ने अंडा दिया, इस तरह से फिर ऐसा ऐसा करके मेरी सारी मुर्गियों ने अंडे देना शुरू कर दिए थे। लेकिन दोस्तों कल वाली गफलत से दोस्तों बहुत ज़्यादा मुझे दुख है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है। मैं अपने आप को कभी नहीं माफ़ करूँगा दोस्तों। काश मेरा दोस्तों पेपर ना होता तो ये सब ना होता, मैं अपने भाई के ज़िम्मे ना लगाता और मैं खुद उनकी देखभाल करता। इस तरह से दोस्तों वक्त गुजरता गया, फिर मेरी एक गोल्डन मुर्गी दोस्तों कुड़क हुई। उस दिन जब दोस्तों वो कुड़क हुई तो मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि मेरी गोल्डन मुर्गी दोस्तों कुड़क हो गई है, क्योंकि गोल्डन मुर्गी दोस्तों बहुत कम ही कुड़क होती है और 100 में से कोई एक आध मुर्गी कुड़क हो जाती है। लेकिन दोस्तों जब मेरी गोल्डन मुर्गी कुड़क हुई और उसने जब चूजे निकाले तो मेरी खुशी की इंतहा बहुत ज़्यादा थी दोस्तों, मैं अभी बयान नहीं कर सकता। जब मैंने उसको कुड़क पर बिठाया था और जब उसने चूजे निकाले थे, आप दोस्तों को मैं वो क्लिप भी दिखाता हूँ जब वो कुड़क हुई थी मुर्गी और जब चूजे निकले थे। माशाल्लाह, मैं आपको सही से दिखा देता हूँ, ये देखें, एक दो। तो इस तरह से दोस्तों मेरी मुर्गियाँ बढ़ती गईं, चूजे आते गए, मुर्गियाँ और ज़्यादा आती गईं, और फिर मैंने एक गंजी मुर्गी दोस्तों ली। गंजी मुर्गी दोस्तों मुझे बहुत ज़्यादा पसंद थी। मैंने जब पहली दफ़ा इसकी वीडियो बनाई थी दोस्तों तो मैंने आप सबको बोला था कि तो ये है वो मुर्गी जो एक अंडे में से दो बच्चे निकालती है। तो आज मैं इसको आपको दिखा रहा हूँ कि वो इस तरह की मुर्गी है जो मेरे पास है, और नस्ल की भी हो सकती है, लेकिन जो मेरे पास मुर्गी है ये जो नस्ल है ये गंजी नस्ल है। जब मैंने दोस्तों गंजी मुर्गी के बारे में ये बोला कि एक अंडे में से दो चूजे निकालती है, तो सब भाई मुझे कहने लगे कि भाई एक अंडे में से दो चूजे कोई मुर्गी नहीं निकालती। तो मैंने उनको बोला था कि यार एक दफ़ा ये कुड़क हो जाए तो मैं इंशाल्लाह आपको ज़रूर दिखाऊंगा कि ये एक अंडे में से दो चूजे निकालती है। तो जब गंजी मुर्गी दोस्तों कुड़क हुई थी तो उस दिन मेरे दिल में आया कि अब मैं अपने दोस्तों को दिखाऊंगा
कि ये एक अंडे में से दो चूजे निकालती है, मैं प्रूव दूंगा। लेकिन दोस्तों क्या हुआ कि गंजी मुर्गी के सारे अंडे खराब हो गए थे गर्मी की वजह से। तो मुझे बहुत उस दिन दुख हुआ था दोस्तों, कुछ चूजे मर गए थे और कुछ अंडे भी खराब हो गए थे। वो क्लिप भी मैं आपको दिखा देता हूँ दोस्तों, वो जरा देखें। सारे अंडे खराब होंगे दोस्तों, क्योंकि मुझे ऐसे लग रहा है कि अंडों की कंडीशन जो है ना, मुझे ऐसे लग रही है कि खराब है। तो देखते हैं कि इसमें से कोई आवाज है। कोई हरकत नहीं है, इसमें बिल्कुल मरा हुआ है। तो ये देखते हैं जो बड़े अंडे हैं, इनमें से देखते हैं क्या है इनकी सूरत है। आपको वादा किया था कि मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन आपने देखा सारे अंडे खराब हो गए। बस क्या कह सकते हैं दोस्तों, होती है। गंजी मुर्गी फिर दूसरी दफ़ा कुड़क हुई और उस टाइम बहुत ज़्यादा गर्मी थी दोस्तों, गर्मी बहुत ज़्यादा थी। फिर मैंने आप सब भाइयों से पूछा था कि क्या मैं इसको कुड़क पर बिठाऊं, और मैंने बोला भी था कि मेरे पास अंडे नहीं है दोस्तों, मैं इसके लिए बाहर से लेकर आऊँगा अंडे। तो सब भाइयों ने बोला कि इसको कुड़क पर बिठा दें और अंडे आप किसी और जगह से लेकर आएँ। तो मैं गंजी मुर्गी के लिए दोस्तों अंडे बर्ड हाउस गया था, वहाँ से लेकर आया था और गंजी मुर्गी को कुड़क पर बिठा दिया था। फिर इंशाल्लाह उम्मीद तो है कि यहाँ से अंडे मिल जाएंगे। तो यहाँ पर ये लाइन में 3 से 4 दुकानें हैं, तो यहाँ से पता करते हैं कि यहाँ पर अंडे हैं या नहीं है। तो वो सारे अंडे ख़राब निकले थे गर्मी की वजह से, वो पहले से ही ख़राब थे। तो फिर गंजी मुर्गी पर मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आया था, लेकिन फिर गुस्सा मेरा कम भी हो गया था। पहले मैंने समझा था कि गंजी मुर्गी ने अंडे अपने ख़राब कर दिए हैं, क्योंकि एक अंडा दोस्तों गंजी मुर्गी ने खा लिया था, पी लिया था, तो मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया था। फिर मैंने जब दोस्तों कैंडलिंग की थी अंडों की, तो फिर कैंडलिंग में सारे अंडे ख़राब थे। तो फिर मुझे लगा दोस्तों कि जहाँ से मैं अंडे लाया हूँ उस भाई ने मुझे अंडे ख़राब दिए हैं। तो दोस्तों इस तरह से दिन गुजरते गए, मेरी मुर्गियाँ इसी तरह से लाइफ गुजारती गई, मेरी गोल्डन मुर्गियाँ, मेरी असील मुर्गियाँ सारी। फिर एक दिन क्या हुआ दोस्तों के गर्मी की वजह से दोस्तों मेरी सारी मुर्गियाँ तड़पती रहीं और अपनी मुर्गियों के इस पिंजरे को दोस्तों मैं खोल नहीं सका। मैं घर से बाहर था दोस्तों, मेरे भाई ने पिंजरा नहीं खोला, जिसकी वजह से इस गर्मी के अंदर दोस्तों डायरेक्ट धूप पड़ने से मुर्गियाँ मेरी इस गर्म ज़मीन पर दोस्तों तड़पती रहीं, लेकिन मैं उनको ना बचा सका दोस्तों। फिर क्या हुआ कि दोस्तों जब मैं आया तो मेरी मुर्गियाँ 4 मरी हुई थी और गंजी मुर्गी मेरी दोस्तों आखिरी सांसें ले रही थी, और साथ में मेरी एक गोल्डन मुर्गी आखिरी सांस ले रही थी। और दोस्तों फिर मैंने उनको उठाया, पानी के नीचे रखा, ठंडे पानी उनके ऊपर डाला, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। फिर मैंने फिर जल्दी से उनको हलाल कर दिया दोस्तों। बस दोस्तों ये था सफ़र मेरी मुर्गियों का, यही सफ़र था दोस्तों। अब मेरा सेटअप दोस्तों बिल्कुल खाली हो गया है, चंद मुर्गियाँ मेरी घूम रही हैं। बस दुआ करें दोस्तों कि मेरा सेटअप जल्दी से बन जाए और हम मजीद परिंदे लेकर आएँ, मजीद मुर्गियाँ लेकर आएँ। तो अपनी दुआ में याद रखेगा दोस्तों, मिलेंगे इंशाल्लाह बहुत जल्द। अभी के लिए इजाज़त दीजिए दोस्तों, अल्लाह हाफिज़।